हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा सेवेंथ का लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके पेपर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, यहाँ हम आज चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रही हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, आपका हनीकॉम का फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चंस, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर में से मैंने ये एक क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट किया है एज़ पर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हु वॉज द वुंडेड मैन, जो जख्मी व्यक्ति था वो कौन था, हाउ डिड ही गेट वुंडेड, और वो जख्मी कैसे हुआ। तो यहाँ हमने चैप्टर में पढ़ा था, वुंडेड मैन वॉज द किंग्स एनिमी, राजा का वो क्या था, दुश्मन था। ही वॉज वुंडेड बाय द किंग्स बॉडी गार्ड as he was waiting for the king to return so that he could attack and kill the king on his way back home। जो कि जंगल में जब राजा जो था हर्मिट के पास गया हुआ था, वहाँ पे ये वुंडेड जो मैन था ये छुपा हुआ था ताकि वापस आए राजा महात्मा के पास से और ये व्यक्ति उसे जो है क्या कर दे, जख्मी कर दे और घायल कर दे। और जब ये वापस अपने घर जाएगा तो राजा को उस समय भी ये क्या करना चाहता था, हर्ट करना चाहता था, मारना चाहता था। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, द मैन वॉन्टेड टू किल द किंग बिकॉज, क्यों मारना चाहता था, बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि राजा ने उसके भाई को जो है फांसी पर लटकवा दिया था और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। सीज्ड होता है जब्त कर लेना, ठीक है। बट एज द किंग डिड नॉट रिटर्न, परंतु जैसे कि राजा वापस नहीं लौटा, द मैन लेफ्ट हिज हाइडिंग प्लेस, लोगों ने जो मैन थे मीन्स उसके संरक्षक थे वो अपने छुपे हुए स्थानों से निकले एंड केम अपॉन द किंग्स बॉडीगार्ड, जो आदमी था वहाँ छुपा हुआ था ये राजा को मारने के लिए, वो वहाँ से निकल गया देखने के लिए कि राजा रह कहाँ गया है पीछे। फिर जो राजा के बॉडीगार्ड थे उनकी नज़रें उनके ऊपर पड़ी, उस आदमी के ऊपर पड़ी एंड हु रिकग्नाइज द एंड वुंडेड हिम, जिन बॉडीगार्ड्स ने उसको रिकग्नाइज कर लिया कि ये तो राजा का पुराना दुश्मन है और उसे क्या क्या ही कर दिया, जख्मी कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल से हमारा रहेगा। अब गिफ्ट ऑफ चप्पल्स जो चैप्टर हमने पढ़ा था, उस चैप्टर में एक करेक्टर है रुकुमनी। वाई वॉज रुकुमनी एंग्री विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ वो जो थी गुस्सा क्यों करती है, नाराज क्यों होती है बच्चों से। रुकुमनी वॉज वेरी एंग्री विद द चिल्ड्रन एज सी हैड लर्नट अबाउट द चप्पल्स गिवन टू द ओल्ड बैगर, जब उसने सुना कि बच्चों ने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उठाकर किसको दे दी, ओल्ड बैगर को, बूढ़े भिखारी को, दैट बिलोंग्ड टू लिलीज म्यूजिक टीचर, जो लिली की म्यूजिक टीचर की थी। एंड शी वॉज वेरी मच एम्बेरेस्ड, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई इन फ्रंट ऑफ द म्यूजिक टीचर के सामने, एंड डिसाइडेड टू प्रोवाइड हिम गोपू मामाज न्यू एंड हार्डली वोन अ पेयर ऑफ चप्पल्स, फिर उसने गोपू मामा की मुश्किल से ही कभी पहनी हुई चप्पलें, मतलब गोपू मामा ने ना उन चप्पलों को काफ़ी यूज़ नहीं किया था, तो वो चप्पलें उसने क्या किया, डिसाइड किया कि वो किसको दे देगी, म्यूजिक मास्टर को दिलवा देगी, म्यूजिक मास्टर वहाँ से उनके घर से चले जाएंगे पहन के। तो रुकुमनी वॉन्टेड हिम टू लीव द हाउस एट वंस एंड आफ्टर लर्निंग शी वॉन्डर्ड वट वॉज सी गोइंग टू टेल गोपू मामा दैट वैनिंग अबाउट हिज न्यू स्लीपर्स, और फिर वो ये भी सोच रही कि अब वो गोपू मामा को क्या ही बताएगी कि उसकी चप्पल्स का उन लोगों ने क्या किया है। तो वो जो था चैप्टर में म्यूज़िक टीचर की जो चप्पलें थी वो बाहर से उठाकर उन्होंने बूढ़े भिखारी को दे दी थी, जो भिखारी जो है गर्म गली में मीन्स तारकोल की मतलब वो गली बनी हुई थी और तारकोल की जो रोड होती है वो बहुत गर्म होती है, वो बेचारा जो बैगर था वो नंगे पैर चल रहा था और बच्चों को उस पर दया आ गई और बच्चों ने क्या किया, म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उठाकर किसको दे दी, बैगर को दे दी, भिखारी को दे दी। ठीक है, अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका रहने वाला है नेक्स्ट चैप्टर से, गोपाल एंड हिल्स ऑफिस से। अब गोपाल एंड हिल्स ऑफिस में करेक्टर है कि जो हाउ डिड गोपाल एंटर द किंग्स पैलेस, राजा के चैलेंज के बाद जो गोपाल है वो राजा के महल में कैसे ही एंटर करता, प्रवेश करता है, ड्यू टू द वियर्ड एंड डिसग्रेसफुल अटायर, क्योंकि उसने अपने आप को ऐसी वेशभूषा में ऐसी पोशाक पहन के बिल्कुल एकदम से अपने आप को स्ट्रेंज बनाया हुआ था ना, तो गोपाल वॉज लव्ड एट बाय द पीपल, लोग जो थे गोपाल के ऊपर हंस रहे थे इन द मार्केट, जब वो बाजार में था, वेन ही वेंट टू बाय द हिल्स ऑफिस, वो क्या खरीदने गया था, हिल्स ऑफिस
खरीदने गया था। एज ही रिच द गेट ऑफ द किंग्स पैलेस, जब वो राजा के महल के गेट पर पहुंचा, एंड रिक्वेस्टेड टू लेट हिम इन द कोर्ट, और उसने गेट पर जो खड़े हुए सिपाही थे उनसे कहा कि उसे अंदर जाने दो, ही वॉज रेस्ट्रिक्टेड, उसे रोक दिया गया, ठीक है, टू एंटर बाय द गार्ड, जो गेट पर रखवाले थे, गेट कीपर थे, उन्होंने क्या किया, उसको रोक दिया, गेट के अंदर नहीं जाने दिया। गोपाल बिंग अ क्लेवर मैन, गोपाल एक चालाक व्यक्ति था, ही बिगेन टू सिंग एंड डांस लाउडली, उसने नाचना और गाना शुरू कर दिया ऊंची ऊंची आवाज़ों में, इन फ्रंट ऑफ द गेट के बिल्कुल सामने। द किंग, दिस मेड द किंग हियर हिज वॉइस, इस राजा ने उसकी आवाज़ सुनी, एंड ordered the guards, और अपने guards को order दिया, आदेश दिया, to bring him into the court, कि उसे कहाँ लेकर जाएँ, अंदर दरबार में लेकर जाएँ। This is how he entered the palace, और इस तरह से उसने अपनी चालाकी से क्या किया, palace के अंदर, महल के अंदर क्या किया, अपनी entry ली। तो इस chapter में से मुझे ये थोड़ा सा अच्छा सा relevant सा question लगा, इसलिए मैं आपको ये share कर रही हूँ। चलिए इससे आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चैलेंज गिवन टू हिम बाय द किंग, राजा ने उसको क्या दिया था, कौन सा चैलेंज दिया था किसको, गोपाल को, एंड हाउ ही वॉन इट, उसने उसको कैसे जीता। अब यहाँ वॉन कैसे किया, उसने जीता कैसे इसको, अब ये देखते हैं। गोपाल हैप्पीली एक्सेप्टेड द चैलेंज, गोपाल ने उस चैलेंज को क्या किया, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। और बाइंग अ ह्यूज हिल्सा फिश, कि वो बड़ी सी हिल्सा मछली खरीद कर लाएगा मार्केट से, एंड टू एंश्योर ऑन द वे फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस नो वन शुड टॉक टू हिम अबाउट हिल्सा फिश, और उससे बाजार से महल तक आते हुए रास्ते में कोई भी व्यक्ति जो है हिल्सा फिश के बारे में उससे बातें नहीं करेगा। ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। तो ही ड्रेस्ड अप लाइक अ मैड मैन, उसने एक पागल व्यक्ति की पोशाक पहनी, पागल व्यक्ति की तरह दिखने वाली एक पोशाक पहनी, और उसकी अपीयरेंस, उसका जो दिखावा था, कोट एवरीवन्स अटेंशन, सबका ध्यान उसकी पोशाक पर चला गया, न कि हिल्सा फिश पर। ही रीच्ड द कोर्ट विदाउट एनीवन टॉकिंग अबाउट द फिश एज एवरीवन वाज ड्रॉन टुवर्ड्स हिज अपीयरेंस, देखो लोगों का ध्यान कहाँ चला गया, उसकी पोशाक की तरफ, कौन सी पोशाक डाली हुई थी उसने, एक भिखारी की। तो लोगों ने ना हिल्सा फिश की बात ना कर कर लोग किसके बारे में बातें कर रहे थे, बार बार उसकी पोशाक के बारे में बातें कर रहे थे, और इसलिए वो जीत गया और उसने अपना पैलेस में क्या किया, एंट्री की। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट चैप्टर से है, व्हाई डिड द ओल्ड मैन स्प्रिंकल, ये है द एसिस दैट मेड द ट्री ब्लूम, विलियम इलियट ग्रिफिस के द्वारा लिखा गया है। तो व्हाई डिड द ओल्ड मैन स्प्रिंकल द एसिस ऑन द विदर्ड ट्रीज, मुरझाए हुए पेड़ों के ऊपर बूढ़ा व्यक्ति जो है वो राख को क्यों छिड़कता है, एंड व्हाट हैपेंड व्हेन ही डिड दिस, और फिर पेड़ों के ऊपर उसका क्या ही इफेक्ट पड़ता है। द ओल्ड मैन क्रश्ड द एसिस ऑन द फेडेड ट्रीज बिकॉज ही अगेन ड्रीम्ड ऑफ हिज डॉग एंड दैट इन्फॉर्म्ड देम अबाउट द एक्शंस ऑफ द विकेड पीपल, देखो उन्होंने जो राख छिड़की ना पेड़ों के ऊपर स्प्रिंकल किया, क्योंकि उसने दोबारा से सपना लिया कि उसका जो कुत्ता है उसे बार बार अपने सपने में आकर बता रहा है उन नीच लोगों के बारे में, विकेड पीपल जो उनके पड़ोसी थे ना, नीच व्यक्ति, उनके बारे में उनका कुत्ता जो है ना बार बार में आके उनको क्या कर रहा है, बता रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अबाउट द एक्शंस ऑफ द विकेड पीपल, नीच लोगों की, घटिया लोगों की एक्शंस, कार्यों के बारे में उन्हें बता रहे हैं। हाउ दे हैड बर्नट द मिल, कि कैसे उन्होंने मिल को जला दिया था, ठीक है। विच द ओल्ड मैन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो ओल्ड मैन ने किससे बनाई थी, एक पाइन के पेड़ से बनाई थी। वैन द ओल्ड मैन स्प्रिंकल्ड द एसिस ऑन विदर्ड ट्रीज ऑल द ट्रीज ब्लूम्ड, और जब बूढ़े व्यक्ति ने स्प्रिंकल किया तो सारे के सारे जो ट्री थे वो ब्लूम हो गए, ब्लूम मतलब यहाँ पे खिल उठते हैं सारे के सारे पेड़, ठीक है। वैन देयर मास्टर द डेमियो सॉ द सॉर्सरी ही कॉम्प्लीमेंटेड द ओल्ड मैन एंड प्रेजेंटेड हिम विद सिल्क रॉब्स, जब मास्टर ने देखा क्या डेमियो की जो डेमियो था उसने देखा कि सॉर्सरी जो थी वो जो एक तरह की बर्तन था तस्त्री थी ही कॉम्प्लीमेंटेड जिसको उसने कॉम्प्लीमेंट किया था, तो बूढ़ा जो व्यक्ति है प्रेजेंटेड हिम विद सिल्क रॉब्स, बूढ़े व्यक्ति ने उसे क्या दिया, सिल्क के लबा दे दिए, फैंस पंखे दिए, स्पंज केक दिया। तो ये जो दिस इंसिडेंट अगेन मेड द ओल्ड कपल लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और उन ये जो सारा का सारा इंसिडेंट हुआ था ना, इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने, बूढ़े कपल ने, मीन्स हस्बैंड और वाइफ ने ना मतलब एक अपनी ओल्ड अवस्था में, ओल्ड एज में जो है अच्छी लाइफ जीने का जो उनको क्या मिला, एक चांस मिला।
तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ये आपका लास्ट चैप्टर है सितंबर तक के सिलेबस में, क्वालिटी। क्वालिटी चैप्टर से ये लिया गया है क्वेश्चन, यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने लिया है। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन में क्या ही है, इस लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ आपको कि व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर विजिटेड द शॉप आफ्टर मैनी मंथ्स, बहुत से महीनों के बाद जब जो लेखक है वो दुकान पर गया तो उसने क्या ही देखा। अब यहाँ आंसर की बात कर लेते हैं हम, क्या देखा था ऑथर ने, ठीक है। ऑथर ने क्या देखा था, जिससे उसने शूज़ खरीदे थे वो व्यक्तिवान था ही नहीं। व्हेन द ऑथर विजिटेड हिज शॉप दैट टाइम इट अपीयर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर होल्डिंग अ पीस ऑफ लेदर, मिस्टर गैसलर ग्रेटेड हिम, कि उसका जो बड़ा भाई है उसने क्या कर रखा है, एक पीस ले रखा लेदर का अपने हाथ में, और मिस्टर गैसलर ने उनका अभिवादन किया एंड सेड हिज एल्डर ब्रदर वॉज नो मोर, और उन्होंने क्या कहा कि उनका जो बड़ा भाई है ना वो अभी जीवित नहीं है। बट दोनों ब्रदर्स की अपीयरेंस जो थी ना वो सेम दिखाई दे रही थी, तो मिस्टर गैसलर को ऐसा बताने से पहले पता ही नहीं चला था कि उसका ब्रदर जो है वो डाए, मीन्स ही हैड डाइड अर्लियर। तो दिस न्यूज़ मेड हिम क्वाइट शॉकिंग, इससे ऑथर को क्या हुआ, शॉक लगा। एंड ही ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स ऑफ बूट्स फॉर हिमसेल्फ, उसने अपने आप के लिए ही ना बहुत से जोड़ी जूते जो है ऑर्डर कर दिए, बल्कि उसको सेम डे उसी दिन कर दिए, बल्कि उसको उनकी नीड नहीं थी। दोज पेयर ऑफ बूट्स वर बेटर देन द अदर एंड लास्टेड टू लॉन्ग, ये जो जूते थे ना, ये शूज़ जो ये मिस्टर गैसलर और उसका ब्रदर बनाते थे, ये शूज़ जो थे क्वालिटी वाइज दूसरे शूज़ से बहुत अच्छे होते थे और बहुत लंबे समय तक चलते थे। तो इसलिए ऑथर को इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो थी नहीं, बट वो उनकी हेल्प करना चाहता था, क्योंकि वो जो थे उनका जो काम था बहुत ही स्लो हो गया था, और काम स्लो होने के बाद आप समझ सकते हैं कि सर्वाइव कैसे ही बंदा कर सकता है ना, वो सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो रखा था। तो उनको थोड़ा सा उनकी अर्निंग हो जाए, इसलिए मिस्टर जो ऑथर थे उन्होंने मिस्टर गैसलर के ब्रदर को जो क्या किया, काफ़ी सारे शूज़ का एक ही बार ऑर्डर दे दिया। तो ये थे आपके यहाँ तक क्वेश्चन हनीकॉम बुक से, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आ भी सकते हैं। सो आप बी रेडी विद ऑल दीज क्वेश्चन एंड प्रिपेयर योर सेल्फ वेल। गुड बाय, हैव अ नाइस day, all of you, goodbye.